अयोध्या में सालों तक बीजेपी ने जिस मुद्दे पर लगातार हवा भर करके जिसको गुब्बारे को ऊपर उठाया और उसके साथ साथ बीजेपी खुद ऊपर उठ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम इतिहासकार और तमाम राजनीतिक विश्लेषक खुल करके कहते हैं कि अगर मंदिर की राजनीति ना हुई होती तो बीजेपी शायद 2 से और इतने आगे तक कभी नहीं आ पाती। और दूसरा, बीजेपी के पास में दूसरा और कौन सा विजन है और कौन सा जो है वो धर्म के अलावा एक वोट बैंक है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जो अयोध्या के अंदर बीजेपी का तर्क था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तो फिर वो तर्क अब कहां पर भूल गए? पुष्कर सिंह धामी, कायदे से तो पुष्कर सिंह धामी को आना ही नहीं चाहिए था और पुष्कर सिंह धामी को इस बात का विरोध करना चाहिए था कि आप ऐसा कोई मंदिर मत बनाइए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी जिस मंदिर से अपनी सरकार चलाते हैं, केदारनाथ धाम अगर ना हो और अगर इस तरह के और जो बड़े धाम हैं जिनकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का मुनाफा पहुंचता है, अगर वो ना हो तो सरकार कितने दिन चल पाएगी? सरकार कितने दिन कहां से पैसा लेकर के आ पाएगी? करोड़ों रुपए का फायदा जो है वो ऐसे धामों से होता है और पुष्कर सिंह धामी के नाम में तो धाम ही, जिनके नाम में धाम है वो धामी यहां पर केदारनाथ धाम को ही दिल्ली के अंदर लाने के बात पर उस प्रोग्राम में आ गए। और ऐसा हो नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री को मिसगाइड कर दिया गया हो, मुख्यमंत्री को गुमराह कर दिया गया हो, मुख्यमंत्री को बताया ही नहीं गया हो, मुख्यमंत्री को यह कह दिया गया हो कि किसी के जन्मदिन की पार्टी है, वहां पर केक काटने के लिए चलना है और आकर के उनको दिल्ली में फीता कटवा दिया हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये बात तो आप नहीं मानेंगे ना। और दूसरी बड़ी बात, इतनी बड़ी खबर जिस पर शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, जिस पर केदारनाथ के पुरोहित साधु संत वो विरोध कर रहे हैं, उस खबर पर टीवी पर चर्चा नहीं है। टीवी में वो खबर गायब है, टीवी में उस खबर पर सन्नाटा है, टीवी में कहीं ब्रेकिंग में, कहीं टॉप 20 में, कहीं टॉप 100 में भी उसका जिक्र आपको मुश्किल से मिलेगा, और इतनी बड़ी खबर पर सन्नाटा है। और यही अगर हिमाचल प्रदेश में हो रहा होता तो देखिए क्या कहा जाता कि ये कांग्रेस हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट कर रही है। फिर बीजेपी इस बात पर अड़ जाती कि जहां पर मंदिर है वहीं पर मंदिर रहेगा। और मैं तो पूछता हूं कि डबल स्टैंडर्ड किस लिए? आप अयोध्या में कुछ और बात कहते हैं और केदारनाथ में कुछ और बात कहते हैं। अगर ऐसे ही करने लग जाए तो फिर अयोध्या का मंदिर भी उठा करके गाजियाबाद में बनवा दीजिए, इतने लोगों को कहां अयोध्या जाने की जरूरत है। और वैसे भी अब तो आपके समर्थक बहुत सारे ये ट्रेंड चला ही रहे हैं कि अयोध्या ने बीजेपी को हरा दिया तो अयोध्या का बॉयकॉट कर दो। तो ठीक है, राम जी की एक मूर्ति ला करके अयोध्या का मंदिर वैसा का वैसा बनवा दीजिए गाजियाबाद में, दिल्ली से थोड़ा सा निकल करके खुले में, ना भीड़ भड़कता रहेगा, आराम से लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, मौज लेंगे। ये कहां का तर्क है? और यही शंकराचार्य है जिन्होंने अयोध्या के धाम को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उन्हीं शंकराचार्य के चरणों में आज मोदी जी नतमस्तक है। तस्वीरें जरा दिखाइए, अंबानी के बेटे की शादी में। अब मोदी जी के लिए अंबानी की बेटे की शादी में जाना वैसे तो कई कारणों से दुखद रहा है। राहुल गांधी ने मुद्दा बना दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना दिया, और एक तस्वीर ये शंकराचार्य जी की आ गई, एक तस्वीर ये शंकराचार्य जी की आ गई, जिसकी वजह से भी अंधभक्तों को और जो है वो बुरा लगा कि जिन शंकराचार्य के बारे में अनाप शनाप बातें आईटी सेल में, जो अनाप शनाप झूठ प्रोपगंडा चलाया गया, उन्हीं शंकराचार्य के चरणों में मोदी को झुकना पड़ा। उन्हीं शंकराचार्य ने बड़प्पन दिखाते हुए अपने गले की माला उतार करके मोदी जी को पहना दी। और शायद यही हिंदू संस्कृति है, शायद यही हिंदू संस्कृति है कि जब सही बात बोलने का वक्त आए तो सही बात बोलिए और ये मत देखिए कि आपके सामने कौन खड़ा है। जो डर गया वो साधु कैसा, जिसके मन में भय है वो कैसा साधु, जिसके मन में लालच है वो कैसा साधु, वो कैसा शंकराचार्य। लेकिन जब आपके चरणों में कोई नतमस्तक हो जाए और तो फिर आप उसको जो दे सकते हैं वो दे दीजिए। और वही शंकराचार्य ने परंपरा हिंदू धर्म की या शंकराचार्य जी की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया है। उन्होंने उसी चीज का निर्वहन किया कि जब अयोध्या की बात थी, जब मोदी जी उस प्रोग्राम के ऊपर किसी की एक छोटी सी बात भी सुनना नहीं चाहते थे,
लेकिन उसी प्रोग्राम के ऊपर शंकराचार्य ने झंडा गाड़ दिया और आखिरी तक इस बात को डट करके कहते रहे कि जो उद्घाटन हो रहा है अयोध्या के राम मंदिर का वो गलत हो रहा है। आखिरी तक ये झंडा बुलंद करके शंकराचार्य जी खड़े रहे, डटे रहे। और ऐसे में अब देखिए कि शंकराचार्य यहां पर फिर से अपनी उस परंपरा को निभा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो चरणों में आएगा, जो नतमस्तक होगा, उसे हम खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोदी जी क्या बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर जो हो रहा है उसको वाकई नजरअंदाज करते रहेंगे, वाकई वो इग्नोर करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, ये अहम सवाल है। और अब इसको लेकर के जिस तरीके से अक्सर होता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर दिया जाता है, कम से कम धर्म के मुद्दे पर तो आप जिम्मेदारी दिखाइए, धर्म के मुद्दे पर तो आप बताइए। वहां पर साधु संत विरोध कर रहे हैं, साधुओं ने क्या कहा है, संतों ने क्या कहा है, जो अलग अलग संत वहां पर पहुंच रहे हैं उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। श्री कृष्ण जी ने दिव्य धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ किसी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदिर यही रहे दिल्ली में जाकर। तो यहाँ पर साधु संत कह रहे हैं कि इस जगह की जो एक पहचान है उसको आप खत्म मत करिए, इस जगह का जो एक महत्व है उसको आप खत्म मत करिए। और ये लाचारगी, ये बेबसी क्यों है साधु संतों के चेहरे पर? जो सरकार अपने आप में कहती है कि हम तो हिंदू हितेशी सरकार है और वहां पर डबल इंजन होने के बावजूद, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? डबल इंजन होने के बावजूद इतनी लाचारगी बेबसी इन साधु संतों के चेहरे पर क्यों दिखाई दे रही है? बड़ा सवाल ये है। और बड़ा सवाल ये भी है कि केदारनाथ में पहली बार तो नहीं हुआ है, ये तस्वीरें कुछ आपकी स्क्रीन पर है। केदारनाथ में कैसे बुलडोजर चला करके और रास्ते के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर, आपने देखा ये पिछले कुछ समय में किस तरीके से हो रहा है, अयोध्या से लेकर के काशी कॉरिडोर के नाम पर, महाकाल में आपने देखा, हर जगह पर यही हो रहा है, मथुरा में आपने देखा, हर जगह पर यही हो रहा है कि चौड़ीकरण के नाम पर जो छोटे छोटे उनके मंदिर थे उनको ध्वस्त करके और क्या किया जा रहा आपके सामने है। लेकिन इस पूरे मामले पर फिर से राजनीति शुरू हो गई और इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी जब इस मामले के अंदर फंस गई है, बीजेपी जब इस मामले में जवाब नहीं दे पा रही है, तो बीजेपी ने इस मामले के अंदर कांग्रेस को ले लिया है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साहब आज जो कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने कहा कि ये बद्रीनाथ के साथ में, केदारनाथ के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां की जो परंपरा है, वहां का जो स्थान है उसको आप उठा करके कहीं और कर दे या उसी के जैसा कहीं और बना दे, ये जो है वो हम सहन नहीं करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल आपको दिख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, इनकी जो बयान है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ था कांग्रेस के समय पर और कांग्रेस के नेता उस वक्त में पहुंच गए थे मुंबई में। लेकिन सवाल सीधा सा है, मंदिरों का निर्माण कोई पहली बार नहीं हुआ है, मंदिरों का निर्माण इस देश में पता नहीं कब से हो रहा है
और हमेशा आगे तक होता ही रहेगा। इस देश का जो धार्मिक आस्था है, अलग अलग धर्मों को लेकर के अपने लोगों की सबकी आस्थाएं हैं, और इसलिए हर धर्म के लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया और वो होता रहेगा। लेकिन बीजेपी इस मामले के अंदर बीच का रास्ता, पतली गली का रास्ता निकाल करके और कांग्रेस के ऊपर इस पलीते को लगाना चाह रही है। बीजेपी कह रही कि भाई ऐसा ही कांग्रेस ने उस वक्त में किया था। जरा पहले एक बार खबर दिखा देता हूं, मैं आप खबर दिखा देता हूं कि कांग्रेस ये मुख्यमंत्री पहुंचे 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री साहब पहुंचते हैं, और 10 जुलाई को जब मुख्यमंत्री साहब पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये और क्या कुछ वहां पर दिल्ली में किया, ये जरा देख लीजिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर का पूजन किया। अब ये खबर है, हूबहू मैंने आपको दिखाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रहा हूं इसमें। केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया, हूबहू आप बनाएंगे भैया, वही नाम आप रखेंगे, तो फिर बताइए क्या रह गया? और क्या ये दूसरे किसी धर्म के लोगों को खत्म नहीं बुरा नहीं लगता क्या? ये बुरा किसी अगर आप हज के बारे में, मक्का के बारे में भी अगर ऐसे ही आप वही सेम टू सेम अगर वहां पर बना दे, लखनऊ में, हैदराबाद में या कहीं और दिल्ली में, तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुरा नहीं लगेगा? निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री खबर के दौरान केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदारनाथ के मंदिर के निर्माण से शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बताइए गजब बात है, मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। भाई जो मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के, अब मान लीजिए कि यही बयान ममता बनर्जी ने दिया होता, यही बयान मान लीजिए कि अगर उद्धव ठाकरे ने दिया होता, तो एक आ जाता कि देखिए आज ये वो कांग्रेस के साथ में मिल करके इनका भी मुस्लिम तुष्टिकरण हो गया है, ये अपने हिंदू संस्कृति को भूल गए हैं, ये सारी बातें कही जाती। लेकिन आज भाजपा के डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ये मंदिर बन जाएगा तो बाबा केदार के मंदिर से शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? जिन लोगों की आस्था है उस पैड़ियों तक पैदल पैदल चढ़ करके जाना, क्या वैष्णो देवी का मंदिर कोई दिल्ली में बना देगा तो आपको वैष्णो देवी नहीं जाना पड़ेगा? जो लोगों की आस्था है, लोग मानते हैं कि हम पैदल जाएंगे, हम नंगे पैर जाएंगे, हम पालकी नहीं लेंगे, और जिन लोगों का घर में उठ करके अपने शौचालय तक जाने की जो है हिम्मत नहीं होती है, वो लोग कहते हैं कि मुझे एक बार इस जन्म में, पता नहीं फिर कल को क्या हो, एक बार वैष्णो देवी जरूर घुमा लाओ। और वो पालकी लेकर के जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर लेकर के जाते हैं, लेकिन वो उस जगह पर जाना चाहते हैं। क्यों? वैसा ही मंदिर दिल्ली में बनवा देते हैं, खुले में बनवा देते हैं, वहां पर जाएंगे क्या? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आस्था विश्वास वहां उस धर्म से, वहां उस धाम से जुड़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री के शब्द हैं ये, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मंदिर बन जाएगा, शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। गजब। आगे कह रहे हैं, इस मंदिर से बाबा के भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। गजब। यही सनातन संस्कृति और यही आस्था अयोध्या के नाम पर कहां चली गई थी, जिस अयोध्या के नाम पर इतना खून खराबा हुआ, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, न जाने भारत में उस अयोध्या मंदिर वहीं बनाने के नाम पर कितने दंगे हुए, कितने लोगों को तहस नहस कर दिया गया। और आप यहां पर कह रहे हैं कि इन सनातन और जो भक्तों की आस्था है वो मजबूत हो जाएगी इससे, तो यही फॉर्मूला आपने अयोध्या में क्यों नहीं लगा दिया, यही फॉर्मूला आपने अयोध्या में क्यों नहीं स्थापित कर दिया, हजारों लोगों की जानें बच जाती। आगे बोल रहे हैं, सीएम ने कहा कि बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक, ध्यान रखिए आप एक एक शब्द को, मूल परिचायक बाबा केदारनाथ का धाम हमारी और हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। गजब, आप मॉडर्न हो गए हैं साहब,
मतलब इतना मॉडर्न हो गए आप, इतना आधुनिक हो गए हैं, गजब। बस अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री के शब्दों को आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री इतने मॉडर्न हो गए हैं, और यही बात अगर राहुल गांधी कह दें तो फिर कहा जाएगा नरेंद्र मोदी जी उठ करके कहते हैं कि इनको समझ नहीं है, इनको पता नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। अब बताइए, हिंदू धर्म जो है वो इतना मॉडर्न हो गया है कि वहां नहीं जा सकते हो तो यहीं पर दर्शन कर लो, यहीं पर दर्शन से तुमको फायदा मिल जाएगा। गजब, वाकई गजब है। मुझे लगता है कि अगर ये बयान सिर्फ एक बार रिपीट भर कर दे राहुल गांधी, एक बार कहे भर दें, अब 10 दिन बाद में संसद शुरू हो रही है, एक हफ्ता रह गया, बल्कि एक हफ्ते बाद में मुख्यमंत्री का यही बयान सेम टू सेम, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए। राहुल गांधी को इस मुद्दे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बद्रीनाथ के लोगों ने आपको जिताया है, कांग्रेस पर विश्वास किया है, तो राहुल गांधी को यह मुद्दा अब एक हफ्ते बाद वहां उठाना चाहिए। और आप मत भूलिए इस बात को। और मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में ऐसा कोई राजनेता नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, और मुझे करेक्ट कीजिए अगर आपको पता है तो, हाल के वर्षों में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो पैदल कैलाश पर्वत पर पहुंचा हो। राहुल गांधी गए थे पैदल, वो हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, वो पालकी से जा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी पैदल कैलाश पर्वत तक गए थे, और उन्होंने तो शिवजी की फोटो दिखाई थी, अब उस पर कितना हंगामा, कितना बवाल मचा था, आपको पता है। तो अब राहुल गांधी को एक और जिम्मेदारी जो है कम से कम वहां के लोगों के लिए दिखानी और निभानी चाहिए, जो लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। अब जरा एक बार गणेश गोदियाल को सुन लेते हैं, जो बीजेपी इन पर आरोप लगा रही है, इन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रम में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो, ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, तो हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं, और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है, और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी वक्त नहीं जाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उस ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है, केदारनाथ धाम ट्रस्ट, हमारे उस नाम पर आपत्ति है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है, और दूसरी बात की जो स्वरूप केदारनाथ का वहां पर बनाने की बात है, हम उस बात से भी सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन दोनों बातों को ठीक कर दे, और बाकी हमारी कोई मांग थोड़ी है, और तुलना नहीं की जा सकती इस बात की। बंबई में जो हुआ होगा या कहीं और शहर में हुआ होगा, हमारी उसमें कोई भूमिका है तो आप हमें कटघरे में खड़ा करिए। अभी के प्रकरण में मुख्यमंत्री जी की भूमिका है, इसलिए उनको आज भगवान के सामने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है, अगर हमने कोई कृत्य किया हम उसके लिए जवाबदेह हैं। हमसे सवाल पूछा जाए, आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहीं कोई रोल नहीं है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का रोल स्पष्ट है। स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं अगर किसी फिल्म के अंदर भी कोई सेट बना करके भी ये कह दे कि केदारनाथ में जो है वो गए हैं, तो उसका भी विरोध हो जाता है कि आपको केदारनाथ अगर धाम को दिखाना है तो केदारनाथ में जाकर के दिखाइए। आप उसका नकली सेट बना करके भी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अब जो है इस मामले को लेकर के बीजेपी की पूरी तरह से चुप्पी है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने क्या वाकई नरेंद्र मोदी की उस राजनीति को फंसा दिया है? और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें जरा थोड़ा सा बड़ा करके दिखाइए आप। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा रही केदारनाथ की, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक वक्त तक बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा करके रखा, लेकिन आप देखिए कि राजनीति से लेकर के और अध्यात्म तक बीजेपी सिमटती जा रही है। अयोध्या से बीजेपी हार गई, बद्रीनाथ से बीजेपी हार गई, और कई ऐसे धाम है, कई ऐसी नगरियां
जो भगवान राम से अलग अलग भगवानों के नाम से जानी जाती है, वहां पर बीजेपी हार गई। तो ऐसे में सीधा सवाल कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी से वो जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती थी उसको छीन लिया है? और अब लोगों को, पहले कि ये कहा जाता था कि लोग अगर विरोध करेंगे, लोगों के मन में भी ये बात आती थी कि अगर विरोध करेंगे तो इससे जो है वो दूसरी सरकार को फायदा होगा, इससे दूसरी पार्टी के लोगों को फायदा होगा, और इसमें ऐसे में एक तथाकथित हिंदू हितैषी सरकार जो गिर जाएगी, ये कहकर के लोगों को मुंह बंद करवा दिया जाता था, चुप करवा दिया जाता था। लोगों को ये बताया जाता था कि अगर आप ये बात बोल रहे हो, अगर आप ये बात कह रहे हो, तो इससे राहुल गांधी या दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, मोदी जी को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए आप लोग चुप रहिए, इसीलिए आप खामोश रहिए, ये कहकर के उनको खामोश कर दिया जाता था। लेकिन देखिए, आज लोगों को विश्वास हो रहा है कि राहुल गांधी वो अगर आगे बढ़ेंगे, राहुल गांधी अगर आगे आते हैं तो फिर वो कैलाश पर्वत भी जाते हैं, केदारनाथ भी आते हैं, तो राहुल गांधी इस मामले में मोदी से कहीं ज्यादा बेहतर है, शायद आज लोगों को ये लगने लगा है। और इसलिए एक के बाद एक जो धर्म नगरियां हैं जिन पर बीजेपी का एक तरह से वर्चस्व रहा है, अब मंगलोर की सीट जो बीजेपी कांग्रेस ने जीती, तो मंगलोर की सीट के बारे में कहा गया कि वहां पर हिंदुओं की मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, लेकिन बद्रीनाथ की सीट भी तो कांग्रेस ने जीती, बद्रीनाथ की सीट पर तो 96% से ज्यादा हिंदू है। तो ये जो राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है और लोगों की पूरी तरह से जो एक धर्म के नाम पर बीजेपी के अंदर विश्वास पैदा हो गया था, वो विश्वास भी जो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है, खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बिल्कुल साफ सीधा स्पष्ट संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी के दिन अब लद गए। ये लोग जो है वो साफ तौर पर यहां पर इशारा कर रहे हैं। और राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी को लेकर के लोगों का विश्वास जो है वो नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को मीडिया ने दबाया है, इसी से आप समझ सकते हैं कि मीडिया इस मुद्दे को क्यों दबा रहा है। अगर ये मुद्दा विपक्ष की किसी सरकार से जुड़ा हुआ होता और बीजेपी को इस पर खेलने का मौका मिलता, तो आज इस मुद्दे को खूब हवा दी जाती। राहुल गांधी के घर के बाहर तथाकथित हिंदू संगठन वो जाकर के हंगामा कर रहे होते, पुतला फूंक रहे होते, बड़ा भारी बवाल मच रहा होता कि कांग्रेस की सरकार देखिए क्या कर रही है, कांग्रेस की सरकार हिंदुओं के धार्मिक आस्था को नष्ट कर रही है, कांग्रेस की नहीं बल्कि कहा जाता औरंगजेब की सरकार है, ये तक कहा जाता। लेकिन आज देखिए साहब, सब एकदम कानों में रुई डाल करके आराम से ऐसे सो रहे हैं कि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। खबर बहुत बड़ी है और ये खबर मुझे लगता है कि आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए नहीं कि ये कोई हिंदू आस्था का मामला है, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। और आस्था आस्था होती है, अगर आप दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी आस्था का क्या सम्मान करेंगे, सीधा सी बात है। अगर आप दूसरे की आस्था को आस्था नहीं मानते हैं तो अपनी आस्था को आप क्या मानेंगे। तो बहरहाल, यहां पर केदारनाथ में जो विरोध हो रहा है और केदारनाथ में जिस तरीके से बीजेपी का यहां पर खुल करके साधु संत पुरोहित संत आकर के केदारनाथ धाम के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, उस मंदिर को दिल्ली में बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये मंदिर इस तरह से किसी और जगह पर बनाया जाना उचित है, या आपको लगता है कि नहीं, इसको रोका जाना चाहिए और राहुल गांधी को इसमें पहल करनी चाहिए, इस मुद्दे में केदारनाथ के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना करके भक्तों की मनोकामना पूरी कर रही है, आधुनिक सनातन का जो है वो एक तरीके से महिमा मंडन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। अब वो पता नहीं आधुनिक सनातन और पौराणिक सनातन क्या होता है और उसमें क्या अंतर होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं और ना मैं उतना ज्ञानी हूं। तो आप लोगों को अगर ये खबर ठीक लगी हो तो इस खबर को अपना 5-10 मिनट का वक्त निकालिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पूरा मैटर, पूरी खबर, पूरा जो ये मुद्दा है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं।
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।